खारगे जी, रंधावा जी, दोतासरा जी, जूली जी, सचिन पायलट जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सीपी जोशी जी, गिरजा व्यास जी, रघुबीर मीना जी, अर्जुन बमानिया जी, ताराचंद भगोरा जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले, राजस्थान से निकले, 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक चले, और रास्ते में हजारों लोगों से मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई, युवाओं से, बुजुर्गों से, किसानों से, शायद उस साल मैंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों से बात की, शायद मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने सबसे ज्यादा लोगों से बात की, 8 घंटे, मिनट के बाद मिनट के बाद मिनट के बाद मिनट, कोई नया आता था, अपनी बात रख के चला जाता था। किसानों ने अपनी बात रखी और हमने अपने मैनिफेस्टो में उनके लिए एक क्रांतिकारी काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में लीगल गारंटी किसानों की एमएसपी के लिए दिया है हमने, मतलब कानून बनाया है कि उनको लीगल एमएसपी मिलनी चाहिए। जो किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है, उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टो में। जाति जनगणना की मैंने बहुत बात की है, थोड़ा सा आज कहना चाहता हूं। देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी भाई बहन हैं, 15% दलित हैं, और तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। सब मिलाकर तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, उसमें आप 5% और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला दीजिए, यह है हिंदुस्तान की आबादी। मगर अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, हिंदुस्तान के बजट को देखें, हिंदुस्तान के धन को देखें, तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं,
आदिवासी वर्ग है यहां पर। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हैं हैंगे ना, ठीक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? किसान, मजदूर ना था? कौन था? अंबानी था, अदानी था, बॉलीवुड की पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। दो हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों का। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं दिखने वाले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम पढ़ो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा आपको। मैंने चेक किया है, मैंने लिस्ट निकाली है सबकी, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाली है। अदानी जी आपकी जमीन लेते हैं, आपका जल छीनते हैं, जंगल छीनते हैं, मगर उनकी कंपनी में सीनियर लेवल पे आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में नहीं मिलेगा। मीडिया में देखो, खारगे जी कह रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं। कारण है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, इनके बड़े बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% हो आप हिंदुस्तान के, 90%, उसमें गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दो, 5% और ले लो और जोड़ दो। मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। राजस्थान में भी वही है, यहां पे राजस्थान की सरकार को 60-70 लोग चलाते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। दिल्ली वाली मैंने निकाली है, उत्तर प्रदेश की निकाली है, राजस्थान की नहीं निकाली है, निकाल दूंगा। आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर जिनकी आबादी 8% है, वो 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा, भाई ये कंपनियों में नहीं है, ये मीडिया में नहीं है,
ये प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं है, ये सरकार में नहीं है, तो है कहां? फिर मैंने मनरेगा की लिस्ट निकाली, उसमें आदिवासी, पिछड़े, दलित सब भरे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकाली, मजदूरों की लिस्ट निकाली, उसमें भरे हुए हैं। 90% का काम हिंदुस्तान में मजदूरी करने का है, 5% का काम देश की हर संस्था को कंट्रोल करने का है। कहीं भी देख लीजिए आप, तो ये हिंदुस्तान की प्रगति का सबसे बड़ा सवाल है। प्रगति करनी है तो एक ऐतिहासिक काम करना होगा, जैसे जब तो चोट लगती है डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरे करो, कहता है ना, कहता है, वैसे ही मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीबों को चोट लग रही है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को चोट लग रही है, एक्सरे करा दो। और मैं तो कह रहा हूं एक्सरे के बाद में एमआरआई भी कराऊंगा। कितना पैसा कितने किसके हाथों में है, कौन से संस्था किसके कंट्रोल में है, मीडिया में कितने लोग आदिवासी, दलित, पिछड़े, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, ये सारा का सारा निकाल दूंगा मैं। और फिर आपको अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। आज आपको बात नहीं समझ आ रही, आप सोच रहे हो कि आप में शक्ति नहीं है। 10 में से 9 लोग आप हो, और आपके सब रास्ते बंद कर दिए। पहले आर्मी में जाते थे, अग्निवीर कर दिया, पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल होते थे, अच्छे चलते थे, पूरे कमरे बंद कर दिए, पहले सरकारी अस्पताल होते थे, बंद कर दिए प्राइवेट। तो जहां जब भी आपके जेब से पैसा निकलता है, वही 5% के जेब में जाता है। पेट्रोल का पैसा भरते हो, 5% के जेब में जाता है। सड़क पे टोल देते हो, 5% के जेब में जाता है। फल खरीदते हो, 5% के जेब में जाता है। आप जितनी जीएसटी देते हो, उतनी अदानी देता है। आप टी शर्ट खरीदो, 200 रुपए की टी शर्ट खरीदो, 300 रुपए की टी शर्ट खरीदो, वो खरीदे, जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। आप मजदूरी करते हो, वो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ता है, टैक्स एक जितना। तो जाति जनगणना से ये सब साफ हो जाएगा, देश को पता लग जाएगा, 90% को समझ आ जाएगी बात, भैया कैसे हमें इस देश में ठगा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी थी। युवा आते थे, मैं पूछता था क्या करते हो, राहुल जी बीटेक हूं, एमबीए किया, मेडिसिन पढ़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं, क्या करते हो, कुछ नहीं, रोजगार नहीं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा कुली का काम कर रहा था, मेरे पास आता है, राहुल जी मैं तो इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने, 5-10 लाख रुपए मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिए, अब मैं कुली का काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, और सबसे जरूरी मुद्दा है देश का, देश के सामने। तो आज
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा, और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा। यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी, और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी, एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज युवाओं के लिए,
बहुत सारे युवा उबर ओला डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं। और पांचवी चीज, ये भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। तो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आदिवासियों की जल उनके लिए एक क्रांतिकारी काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में लीगल गारंटी किसानों की एमएसपी के लिए दिया है हमने, मतलब